हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अर यूट्यूब चैनल जेके एस टी डी आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे उससे पहले अगर हमारी चैनल में आप सब में से कोई नया है तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करें चलिए जी आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं आज का जो टॉपिक है वो है नेशनल मोनाटाइजेशन पाइपलाइन ये रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्चड द नेशनल मोनीटाइजेशन पाइपलाइन the nmp estimates aggregate monetization potential of our 6 lakh crores through core assets of the central government over a four year period from finance year 2022 to finance year 2025 recently government of india ne launch kiya hai national monetization pipeline National मोनेटाइजेशन Pipeline launch करने का मकसद ये है कि government of India चार साल में फाइनेंस year 2022 और 25 के बीच में 6 लाख करोड़ कमाएगी कुछ core assets से वो क्या हैं चलिए जी हम explain करेंगे अच्छे से

2021-22 का जो यूनियन बजट हुआ था उसमें भी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने यह बात कही थी कि हम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च करेंगे करंटली ओनली एसर्ट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लाइन मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स बीन इंक्लूडेड ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है इसमें खाली सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के जो और एसर्ट्स हैं उन्हीं को इंक्लूड किया है उन्हीं से पैसा कमाया जाएगा उनको थोड़े टाइम के लिए प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा उसका ये मतलब नहीं प्राइवेटाइज प्राइवेटाइज किया है मगर थोड़े टाइम के लिए फॉर एग्जाम्पल चार साल पाँच साल ऐसे ही द गवर्नमेंट हैज स्ट्रेस्ट दैट दीज आर ब्राउन फील्ड एसर्ट्स अब गवर्नमेंट ने कहा है कि ये खाली वो एसट होंगे जो ब्राउन फील्ड होंगे अब दो किस्म के एसर्ट्स होते हैं एसर्ट हो गई प्रॉपर्टी एसर्ट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी एक होता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट इट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन अ मैनुफेक्चरिंग ऑफिस और अदर फिजिकल कंपनी रिलेटेड स्ट्रक्चर और ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर इन एन एरिया वेयर नो प्रीवियस फैसिलिटीज एग्जिस्ट ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब है इन्वेस्ट करना कुछ बनाने के लिए ऑफिस के लिए या फिजिकल कोई कंपनी जहाँ पे पहले ये फैसिलिटी एग्जिस्ट ना हो उसके बाद दूसरा आता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट द प्रोजेक्ट्स विच आर मॉडिफाइड आर अपग्रेडेड आरकॉल ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट जो हम मॉडिफाई करने के लिए अपग्रेड करने के लिए तैयार करते हैं ये थी नेशनल मोनीटाइजेशन पाइपलाइन की पूरी डिस्कशन चलिए जी हम देखते हैं नेशनल मोनीटाइजेशन पाइपलाइन में जो कोर एसेट्स हैं वो कौन कौन से हैं ये देखिएगा जी इसमें आप जैसे रोड्स रेलवे पावर नेशनल गैस पाइपलाइन पावर जनरेशन ऑयल पाइपलाइंस टेलीकॉम स्टेडियम एयरपोर्ट एंड पोर्ट्स उसके बाद यहाँ से हम देखते हैं किस एसर्ड के लिए कितने अपनी लिस्ट बना रखी है जैसे कि देख लीजिएगा रोड्स के लिए वन लेख सिक्सटी थाउजेंड टू हंड्रेड करोड़ इसी तरह रेलवेज़ के लिए वन लेख फिफ्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी सिक्स करोड़ ऐसे ही पावर ट्रांजिशन पावर जनरेशन नेशनल गैस पाइपलाइन प्रोडक्ट पाइपलाइन टेलीकॉम वेयर हाउसिंग माइनिंग एविएशन पोर्ट्स और स्टेडियम टोटल तो चार साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एसर्ट से छः लाख करोड़ कमाना चाहती है ये जी आज का टॉपिक था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन अगर आपको अभी भी इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज